नमस्कार, मेरा नाम अरशद वारसी है और मेरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है फ्रॉड सैया। मेरी एक एडवाइस है आपको, ये फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, आइडियाज़ जुटाने के लिए नहीं बनी है। तो प्लीज़ यही मत सोचिएगा कि थिएटर में जाएंगे और थोड़ा सीख के आएंगे कि किस तरह फ्रॉडगिरी की जाती है या कॉनिंग की जाती है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड इनसे खूब पिटाई होगी आपकी, समझा। इसके नीचे वो एक्शन के पहले होता ना कि ये चीज़ें अपने घर पे मत ट्राई किया कीजिए, मेरा वही कहना है। ये फिल्म देखिए एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम। थैंक यू। माय नेम इज़ अर्शद फ्रॉड सैया। सो अर्शद, वेलकम ऑन चले स्पीक्स। प्लेजर। सबसे पहले तो बता दे, ट्रेलर देख के हंसी आ रही थी खूब ज़बरदस्त, और आपको देख के थोड़ी दया भी आ रही थी, इतनी लड़कियों ने आपको फंदा लगा के बांधा हुआ है, तो पीटा भी, कैसा पीटा भी है तो कैसा रहा वो पिटने और बहुत अच्छा खाने का सफर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे बड़ा मज़ा आया फिल्म करने में, बड़ा मज़ा आया। कई रीजन है उसके, कई रीजन। एक तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली कहानी इतनी मज़ेदार थी, जो सीन्स और सीक्वेंसेस लिखे गए थे वो बहुत ही अलग तरीके के थे, बड़े इंटरेस्टिंग थे, जो मैंने पहले कभी किए नहीं, तो मुझे नई नई चीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है। तो यस, आई वॉज थरली इंजॉइंग दैट। फिर मेरे साथ सौरभ शुक्ला थे, महान कलाकार, ग्रेट एक्टर, और सौरभ और मैं मिलके हमने जो इम्प्रोवाइजेशन के कुछ ऐसे ऐसे सीन्स किए हैं जो आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, विच इज़ अ वेरी बोल्ड थिंग टू से, कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, हमने वो कुछ इस तरह के सीन्स किए हैं। मेरे साथ जितनी मेरी को एक्टर्स थी, मेरी सारी पत्नियाँ थी इस फिल्म के अंदर, फिर सारा लॉरेंस थी एंड एली, एब्सोल्यूट प्लेजर वर्किंग विद देम, लवली पीपल, अच्छे एक्टर, अच्छे लोग, मज़ा आया। प्लस भोपाल के अंदर जब हम शूट कर रहे थे वहाँ पे मौसम कमाल का था, एंड वहाँ पे जहानुमा पैलेस में रह रहे थे जहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा था। सो आई थिंक ऑल इन ऑल कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं मिली जहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आया। फिल्म करने में मज़ा आया, शूट करने में मज़ा आया, ऑन स्क्रीन जो दिख रहा है उसमें मज़ा आया, ऑफ स्क्रीन जो हमने किया उसमें मज़ा आया, एंड मुझे 100% श्योर है कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, उतना ही शायद या उससे ज़्यादा जितना मुझे आया है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी बाकी पिछली सारी कॉमिक फिल्मों से काफ़ी अलग है? डेफिनेटली अलग है। वो आई मीन मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने इसमें, अभी आप प्रोमो में वो जो सीन देख लीजिए, जब मैं क्या कहते हैं बेगिंग फॉर लव वाला सीन है, डेस्परेट बेचारा, मतलब वो क्या है, मैंने जब वो कहानी वो सीन पढ़ रहा था तो आई जस्ट क्रैक्ड अप, आई सेड यार ये कौन सोचता है, कोई बहुत ही डेस्परेट बंदा होगा जिसने ये लिखा होगा। तो आई फाउंड इट वेरी फनी एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग इट, एंड जो मैंने किया मुझे इतना मज़ा आया। एंड सो यस, उस तरह इस जोन की एक अलग सी अर्दी नाइस कॉमेडी है, मज़ेदार कॉमेडी है, जो आई मीन थैंकफुली मैंने पहले कभी की नहीं, सो मेरे लिए एक नया स्पेस था कॉमेडी का। तो सिर्फ फिल्मों में ही फ्रॉड करते हैं, पे रियल लाइफ में भी कुछ फ्रॉड किए? मैंने जो भी फ्रॉड किया सिर्फ फिल्मों में किया है, फिल्मों के बाहर लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे लूटा है। कुछ एग्जाम्पल दीजिए। नहीं दे सकता मैं एग्जाम्पल, ऐसे कैसे दे दूँ मैं। अभी हमने सिम्बा देखी सर जी, आप हमारे गाना आया, अनडाउटेडली रिमिक्स बहुत अच्छा था, बट द वे यू एंटर्ड इन द सॉन्ग, मैंने पर्सनली सिटी में जाई है एंड आई शाउटेड, बिकॉज वो सॉन्ग जो 90s में था उसकी बात ही अलग थी। तुम सच्ची बताओ, तुमने सिटी इसलिए बजाई कि मैं आया था स्क्रीन पे, या इसलिए बजाई थी कि 5 सेकंड बाद मैं जा रहा हूँ? आप आए थे सीन में और वो पूरा याद ताज़ा हो गया के लिए, और आपका जो डांस मूव्स था ना, थैंक यू, देख के लगा कि हम बिल्कुल उस जोन में चले। थैंक यू। मुझे एक्चुअली वाकई में मुझे नहीं लगा कि लोगों को इतना पसंद आएगा, आई थॉट के यार एक छोटा सा रोहित ने बुलाया था, हमने कर दिया, नो इट्स जस्ट अ लिटिल अपीयरेंस, उसका रिएक्शन ऐसा होगा, इम्पैक्ट ऐसा होगा, लोगों को इतना पसंद आएगा, आई हैड नो आइडिया एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, वेरी हैप्पी। तो गोलमाल 5 के कुछ चांसेस? वो भी है, वो मैं जैसे मैं कह रहा था, कुछ कहानी रेडी नहीं है, कुछ बातें नहीं हुई है, बट मुझे पता है जिस तरह रोहित जैसा है, और मेरे को लगता है लोगों की क्या कहते हैं ऑब्लिगेशन है रोहित पे कि बनाएं 5वां, बिकॉज लोग चाहते हैं बने, तो एक ना एक दिन ज़रूर फ़ोन आएगा रोहित का कि अच्छा क्या कर रहा है, कुछ नहीं, चलो गोलमाल 5 बना रहे हैं हम लोग, चलो। तो वो होने वाला है। कॉमिक में हमने देखा है, मुझे लगता है आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत
ईजी और बहुत आराम से आप किसी भी चीज़ में कॉमेडी कर जाते हैं और बहुत हंसाते हैं। बट इसके अलावा आपको कुछ ऐसी फिल्म या कोई स्क्रिप्ट की तलाश है जो आपको लगता है कि बैंक वन भी? मुझे फॉर्चुनेटली है ना, एक्टिंग मेरे से बड़ी आसानी से हो जाती है, मुझे ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, विच इज़ ग्रेस ऑफ गॉड एंड थैंक यू वेरी मच, ऐसा है। तो सेम है, जो सीरियस है वो भी मैं काफ़ी तरह आसानी से कर लेता हूँ, कॉमेडी भी हो जाती है। एक्चुअली कॉमेडी ज़्यादा मुश्किल है, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। और मैंने बड़ा अभी रिसेंटली मैंने वूट के लिए एक सीरीज़ वेब सीरीज़ ओके किया और शूटिंग भी शुरू कर दी, जिसका नाम है असूरा। उसमें बड़ा सीरियस सा रोल है मेरा, तो मेरी ख्वाहिश जो है ऑफ डूइंग अदर काइंड ऑफ एक्टिंग वो वेब सीरीज़ पूरी कर रहा है। एंड कॉमेडी का जो सिलसिला है फिल्मों का वो चलता रहेगा, मुझे पूरा यकीन है कि एक बार वेब सीरीज़ लोग देखेंगे तो फिर मुझे सीरियस ऑन फिल्मों में भी लोग चाहेंगे कि मैं करूं। बट मैंने पर्सनली थोड़ा सा ये बाइफोकेट कर दिया है कि फिल्मों में कॉमेडी चलेगी तो वेब सीरीज़ में सीरियस चलेगा, मैं खुश, पब्लिक खुश, जिसको देखना है वो ये देखी, जिसको देखना है वो देखी। बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ज़ी फाइव, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको लग रहा है कि ऑडियंस डाइवर्स हो रही है, एक बॉलीवुड ही नहीं बचा अभी, और भी कुछ आ गया है और खतरा है थोड़ा बॉलीवुड का? नहीं, खतरा बिल्कुल नहीं है, फिल्म को कोई खतरा नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जाम्पल देता रहता हूँ कि मैंने कहा कि अगर जस्ट बिकॉज क्या है नेटफ्लिक्स और ये सारे नेटफ्लिक्स कह रहा हूँ सॉरी वेब सीरीज़ के जो सिनेरियो है वो कन्वीनियंट है, इजी है, सस्ता है, आप घर बैठ के कभी भी देख सकते हो आपके वक्त पे वगैरह वगैरह, वो फैसिलिटीज़ है उसमें। और थिएटर है वो एक एक्सपीरियंस है, इट्स लाइक कि अगर मैं अपने घर पे खाना बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सारे रेस्टोरेंट बाहर के बंद हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं, आपको बाहर खाने का भी दिल करता है। मेरे हिसाब से फिल्म वो है, फिल्म्स आर एन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू अ थिएटर, वहाँ पे जाके पॉपकॉर्न खाना, समोसे खाना और फिल्म बैठ के देखना उस माहौल में, उस साउंड के साथ, उस लार्ज स्क्रीन के साथ पे, तो ये सारी चीज़ों का जो मज़ा है वो अलग है और वो कभी नहीं जाएगा। लाइक आज भी हम लोग, मरिया और मैं, मरिया तो अक्सर सारी देखती हैं, मुझे भी जब मौका मिलता है हम दोनों हमेशा थिएटर में ही जाके फिल्म देखते हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है, वो कभी नहीं जा सकते। यस, वेब सीरीज़ ज़्यादा लोग इसलिए देखेंगे कि ज़्यादा क्योंकि वो कन्वीनियंट है, वेल दैट डज नॉट मीन कि फिल्म को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा, 90s का जो टाइम था ना वो हम लोग कहीं ना कहीं मिस करते हैं, ऑफकोर्स आज के ज़माने में भी बहुत टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। कल हमने पूजा भट्ट से मीटिंग करी, उन्होंने बताया कि जब हम बैठते थे शूट के दौरान भी और शूट नहीं भी करते तो स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो उस दौरान भी हम सीन डिस्कस करते थे या इतनी गहराई में डेप्थ में चले जाते थे कि वो सीन ऑटोमेटिकली कमाल का आता था। आपका भी कुछ ऐसा ही मानना है? आई थिंक एब्सोल्युटली सही है, आई थिंक पूजा जो कह रही है बिल्कुल सही है, वो वक्त इतना अच्छा था क्योंकि ये जो जैसे उन्होंने कहा कि शॉर्ट्स के बाद आप बैठते थे, बातें करते थे, वो कॉन्वर्सेशन होती थी, पर्सनलाइज कॉन्वर्सेशन, आँखों में देखने की बात करना, रियलिज्म था, वो बहुत प्यारी चीज़ है। मैं पर्सनली तो बहुत खिलाफ हूँ ऑफ ऑल द गैजेट्स, और मैं काफ़ी हद तक ओल्ड फैशन भी हूँ, सो मैं जो सेट पर हूँ तो मैं सेट पर जैसे अभी सौरभ और मैं थे, हम दोनों तो वही होता था, हम बैठ के गप्पे मारते, और बिकॉज हम दोनों फ़ोन पे नहीं रहते थे, हमारे साथ जितने लोग थे वो भी फ़ोन पे नहीं रहते थे, तो सारे बैठ के हम लोग वही जो माहौल जिसकी बात पूजा कर रही है, हम लोग का बिल्कुल वैसा ही रहता था माहौल। और मैं ना अभी भी वैसे, मैं मेरे फ़ोन को मैं मिनिमम इस्तेमाल करता हूँ, नहीं के बराबर, मेरे खाली दो लोगों के फ़ोन अक्सर मुझे आते हैं, एक मेरी फैमिली में मरिया या बच्चों के, और एक मेरे मैनेजर के, ये दो लोगों के फ़ोन मुझे आते हैं, बाकी मैं फ़ोन देखता नहीं हूँ, मेरे आसपास नहीं रहता है, उठाता नहीं हूँ, दिन में 2-3 बार मैसेज देख लेता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। एंड आई थिंक दैट्स द राइट वे टू बी। कोई किसी बायोपिक को करने की इच्छा या फिर कोई आगे प्लान? नहीं, कुछ नहीं, आई मीन आई डोंट बायोपिक, आई डोंट नो, जितने इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियंस है, हिस्टोरियंस है, इन सब के ऊपर तकरीबन बायोपिक तो बन चुकी है, तो आई डोंट नो कौन है नया जिसके ऊपर एक किया जाए, या मुझे एक बार, मुझे याद है मेरे पहचान वाले थे जिन्होंने कर्नल या मेजर बुलाया करते थे उनको, तो वो उन्होंने शिवाजी के ऊपर लिखा था एक बायोपिक,
तो उन्होंने मुझे उस मुझे याद है कई साल पहले उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट यू टू प्ले शिवाजी. सो आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग बिकॉज सम हाउ सेड दैट योर फिजिकल स्ट्रक्चर इज लाइक हिम एंड आई मीन शिवाजी बायोपिक वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आई हैव अ फीलिंग व्हाई नॉट. मेरे आखिरी के दो साल पहला ये कि वैलेंटाइन आ रहा है, क्या प्लान्स हैं आपके, कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं, क्या गिफ्ट है? मैं अभी तो हम लोग पूरी फैमिली क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए पेरिस जाके आई है, तो हमारे जेब खाली हो चुके हैं, तो चुपचाप से घर में बैठेंगे हम लोग. क्या होता है वैलेंटाइंस डे जो है वो हमारी एज कॉर्नी एज इट इज़ बट हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा. वो डेफिनेटली देयर बी डिनर और समथिंग, दोस्त आएंगे घर पे, कुछ छोटा मोटा तो होने ही वाला है. तो आई गेस लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं काम में भी इतना बिजी हूँ ना कि आई वोंट हैव द टाइम टू एंजॉय माईसेल्फ. तो अर्शद अब एक्चुअल में कैसे सही है? मतलब नॉर्मल बड़ा रिलैक्स आदमी, बहुत ही स्लो, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही हाई स्पीड हूँ, स्लो रिलैक्स. मुझे ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है, मुझे घर में रहना अच्छा लगता है, मुझे दोस्तों के साथ मस्ती करना अच्छा लगता है. सो आई एम दैट स्पेस. और चलते चलते हमारे व्यूअर्स को बताइए इसकी डेट, इसको देखने का रीज़न और ये फिल्म क्या है. 18 जनवरी को रिलीज़ हो रही है. कई रीज़न है देखने के, बट एक सिंपल रीज़न आपके लिए ये है कि अगर आप थिएटर जा रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, वो आपको पूरी तरह मिलेगा. मज़ेदार फिल्म है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, सीन्स बड़े प्यारे हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, कहानी में एक कहानी है, वो सिर्फ गैग्स नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं इंडिविजुअल सीन्स जो होते हैं ना हंसाई हंसी के वैसे नहीं है, एक कहानी है और विथ इमोशन एज वेल, बट टन्स ऑफ ह्यूमर, वेरी एंटरटेनिंग, फुल टाइम पास. एंड एज आई सेड मुझे पूरी फिल्म शूट करने में बहुत मज़ा आया था. सो अगर मुझे इतना मज़ा आया तो आई एम श्योर आप लोगों को देख के भी उतना ही मज़ा आएगा. तो प्लीज़ गो एंड सी 18th of January. हमारी तरफ से भी ढेर सारी विशेस. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन.